हेलो फ्रेंड्स मैं हूं रूपाली एंड वेलकम बैक टू रूपालीज किचन फ्रेंड्स आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डिलीशियस डिलीशियस और फटाफट बन जाने वाली खीर वो भी रवे की तो ये दिखने में दिखने में क्या स्वाद में भी बिल्कुल चावल जैसी खीर की तरह लगती है और ये बहुत ही फटाफट बन जाती है घर में अगर मेहमान आए हो या कुछ जल्दी में हो तो आप ये खीर को बना के ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और आपको बहुत पसंद आने वाली है और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये कैमें एक चम्मच भर के जो है घी लिया है और यहाँ पर मैंने कुछ काजू और बादाम को जो है बारीक कट कर लिया

रवे को भी डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे फ्राई मतलब थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको कर लेंगे तो गोल्डन कलर आ चुका है आप देख सकते हैं मेरे रवे में इतना ही गोल्डन कलर आपको लाना है ध्यान रखिए जलाना नहीं है लगातार चलाते रहें अगर थोड़ा सा भी छोड़ दिया ना तो रवा बहुत जल्दी नीचे लग के जल सकता है और जलने पर स्वाद ख़राब हो जाता है तो यहाँ पे हम मैं डाल रही हूँ एक लीटर घी मेरा घी सॉरी घी नहीं दूध घी की बात कर रही थी तो घी निकल गया मुझसे तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक लीटर दूध और दूध मेरा जो है वो टोन मिल्क है क्योंकि घर में टोन मिल्क ही आता है आप इस घर इसमें फ़ैट वाला जो घी दूध होता है मैं बार बार घी बोल रही हूँ अगर वो दूध डालेंगे तो आपकी खीर और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी लेकिन कोई बात नहीं हम इसमें इसको भी बहुत टेस्टी बना देंगे तो यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा फूड कलर मेरे पास में केसर बहुत कम था यहाँ पर लिया है मैंने एम का बादाम मिक्स ये बहुत ईजीली मार्केट में मिल जाता है तो यहाँ पे मैं जो है दो चम्मच भर के इसको डाल रही हूँ अगर आपके पास में ये नहीं है तो उसका ऑप्शन भी है आप मिल्क पाउडर दो चम्मच ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर मिला लीजिए इसमें इलायची ऑलरेडी होती है तो मैंने ऊपर से नहीं डाली है तो यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ आधा कप जो है मैंने शक्कर ली है आप अपने मीठे के अनुसार अगर ज़्यादा लेते हैं तो इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप शक्कर डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे अब और हम और इसमें अब हम थोड़ा सा एक बॉइल ले लेंगे यहाँ बॉयल आ चुका है तो अब मैंने डाल दिए जो काजू बादाम को मैंने फ्राई करके रखा था वो इसमें डाल दिया इनको भी मिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से उबाल लेंगे कम से कम दस मिनट थोड़ा उबाल लें तो इससे मेरा जो है वो फैट मिल्क नहीं था अगर आप फैट मिल्क लेते तो आपका दूध बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और गाढ़ा होने पर एक्चुअली जो हमने रवा डाला है इसमें वो उबलने के बाद में जो है वो थोड़ा फूल जाता है अब आप देख सकते हैं मेरी खीर यहाँ पे बन के तैयार है सिर्फ दस मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही डिलीशियस लगती है घर में सबको बहुत पसंद आती है तो अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ी पतली है लेकिन डोंट वरी अभी क्या करेंगे हम अपनी खीर को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे ना तो हमारी खीर जो है वो और गाढ़ी हो जाएगी अभी मैं यहाँ पे इसको सर्व कर लेती हूँ मैंने यहाँ पे सर्व कर लिया है और थोड़ा सा काजू बादाम और केसर और पिस्ता ऊपर से डाल देंगे डेकोरेशन के लिए आप चाहो तो स्किप कर सकते हो तो मेरे को तो यहाँ पे थंबनेल के लिए फ़ोटो लेना था तो ये तो बनता ही है तो यहाँ पे मेरी डिलीशियस सी खीर बनके तैयार हो गई है मैंने थोड़ा सा अभी गर्म गर्म ही है इसको सर्व कर रही हूँ मैं लेकिन आप अगर फ्रिज में रख देंगे ना तो ये एकदम गाढ़ी हो जाएगी बिल्कुल चावल की खीर जैसे बनती है ना रबड़ी वाली बिल्कुल वैसा ही ये लगेगी और स्वाद भी इसका बिल्कुल वैसा ही लगता है बहुत पसंद आती है सबको आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए अगर ये वीडियो पसंद आई है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तो मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय